प्रिय दर्शकों, हमारे श्रीमन्नारायण ज्योति संस्थान में आपका स्वागत है। आज के कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि वार्षिक राशिफल 2023 कैसा रहेगा मकर राशि वालों के लिए, ग्रहों की स्थिति क्या होगी, क्योंकि 17 जनवरी 2023 से शनि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। आपके ऊपर शनि की साढ़े साथी भी चल रही है। ग्रहों का क्या फल होगा, क्या सफलता मिलेगी, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए पूरे वर्ष में, क्या करें और क्या जरूर करें जो आपको लाभ हो, अब ग्रहों की स्थिति पहले बताते हैं, फिर ग्रहों के मूल फल और फिर सब ग्रहों का क्या पूरा वर्ष फल होगा आपको बताते हैं। 17 जनवरी 2023 को शनि अपनी मकर राशि से अपनी मूल कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, जो आपको लग्न से धन पर जाएंगे। गुरु 21 अप्रैल 2023 से अपनी मीन राशि से मेष राशि में प्रवेश करेंगे, यानी आपके तृतीय स्थान से चतुर्थ स्थान में जाएंगे। 21 अप्रैल से 29 अक्टूबर तक आपके चतुर्थ स्थान प्रॉपर्टी स्थान पे चंडाल योग भी बनता रहेगा। थोड़ा प्रॉपर्टी को लेन देन के मामले में सावधानी बरतें, माता पिता माता के थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। राहु 29 अक्टूबर 2023 को राशि परिवर्तन करेंगे, यानी मेष राशि से मीन राशि में प्रवेश करेंगे। केतु 29 अक्टूबर 2023 से तुला राशि से कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। आइए इन ग्रहों का क्या फल है बताते हैं आपको। प्रिय दर्शकों, यह राशिफल वार्षिक चंद्र राशि से बताई जाती है, सार्वभौमिक है। अपनी जानने के लिए अपना डेट ऑफ बर्थ, समय, जन्म स्थान दे करके हमारे चैनल के नीचे दिए हुए नंबरों से जो है संपर्क करके और जानकारी आप ले सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि शनि पूरे वर्ष आपको क्या फल देंगे। शनि की साढ़े साथी के कारण आय कम और खर्च अधिक बनेगा। व्यवसायिक एवं आर्थिक उलझनों के कारण कभी कभी मन आपका प्रसन्न रहेगा, अशांत रहेगा। शनि का पाया सुवर्ण होने से लाभ के अनेक अवसर आपको प्राप्त होंगे, सफलता भी मिलेगी, उन्नति भी होगी, धन की वृद्धि होगी, बैंक बैलेंस बनेगा, लेकिन मानसिक तनाव और भाग दौड़ पूरे वर्ष बना रहेगा। कुटुंब की वृद्धि होगी इस वर्ष, हर प्रकार से लाभ होगा। गाड़ी घोड़ा थोड़ा सा धीरे चलाए, लोभ है आपको बना रहेगा, बाकी ठीक रहेगा। शनि यानी कुल पूरे वर्ष अच्छा फल देंगे। अब आपको बताते हैं गुरु का क्या फल रहेगा पूरे वर्ष। गुरु आपके तृतीय 21 अप्रैल तक रहेंगे, उसके बाद चतुर्थ में जाएंगे, जो कि राहु के साथ चंडाल योग बनाएंगे चतुर्थ में 21 अप्रैल से। उससे पहले तो बहुत अच्छा फल देंगे। स्वगृह हैं, पराक्रम से सफलता, मित्रों से लाभ, भाई की उन्नति और बृहस्पति की पांचवी दृष्टि पत्नी पर है, पत्नी से सुख, प्रेम संबंध चल रहा है उसमें सफलता, भाग्य की उन्नति, विदेश का योग, ये बृहस्पति आपको देंगे और अचानक लाभ करा सकते हैं। विद्या इत्यादि परीक्षा दे रहे हैं तो उसमें सफलता मिलेगी, नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें लाभ होगा, और विदेश जाने चाहते हैं तो भी यह वर्ष आपके लिए बृहस्पति अच्छा फल देंगे। अब आपको बताते हैं राहु क्या फल देंगे। राहु 29 अक्टूबर तक आपके चतुर्थ में, उसके बाद तृतीय में आ जाएंगे। किसी बंधु से क्लेश करवा सकते हैं आपको, लाभ कम और खर्च अधिक रहेगा, शरीर कष्ट और रोग भय बना रहेगा, व्यापार नौकरी में भाग दौड़ के बाद सफलता मिलेगी, यानी सब चीज़ों में सफलता तो मिलेगी लेकिन भाग दौड़ अधिक रहेगा, खर्च अधिकता रहेगी, ऋण लेने से आपको बचना चाहिए और अपना हर बातें गुप्त रखें, किसी को बताएं ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब हम आपको बताते हैं केतु की स्थिति क्या रहेगी। जातक के पुरुषार्थ में वृद्धि केतु कराएंगे। केतु आपके दशम में बैठे हुए हैं 29 अक्टूबर 2023 तक। घर में कोई मंगल कार्य यानी घर में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है। लाभ की अपेक्षा खर्च तो देखो पूरे साल अधिक बना रहेगा, और अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो जो अच्छा योग है आप जा सकते हैं, चाहे वो बिजनेस पर्पज से, चाहे विद्या पढ़ने के लिए, या ऐसे ही घूमने जाने चाहते हैं तो बहुत अच्छा है, आप जा सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि पूरे वर्ष आपकी राशि के लिए यानी मकर राशि के लिए
स्वास्थ्य कैसा रहेगा सब ग्रहों को मिला करके। ज़्यादातर स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। आपको पेट का विशेष रूप से ध्यान रखना है, सर दर्द से भी आपको बचना है और हृदय का भी यानी बीपी शुगर इत्यादि से भी आपको बचना चाहिए। अब आपको बताते हैं व्यापारी व्यापार नौकरी और स्थान परिवर्तन क्या योग है पूरे वर्ष 2023 में। व्यापार में अच्छी सफलता आपको मिलेगी लेकिन अचानक अचानक आपको थोड़ा सा भाग दौड़ करना पड़ सकता है। जल्दीबाजी में कोई निर्णय न ले तो ज़्यादा अच्छा होगा। पार्टनर से थोड़ा सा सावधानी बरते तो और अच्छा होगा। यानी व्यापार और नौकरी दोनों में सफलता मिलेगी लेकिन थोड़ा सा संघर्ष और थोड़ा सा स्लो यानी कोई काम रुकावटों के बाद होगा। अब आपको भूमि भवन वाहन में भी यही स्थिति रहेगी। यानी भूमि भवन वाहन अगर आप कोई लेते हैं तो थोड़ी सी विलंब के बाद सफलता होगा। अब कैसा रहेगा पूरे वर्ष आय और व्यय की स्थिति कैसी रहने वाली है। आपको आय और व्यय यानी आपका 70% खर्च और 30% आमदनी है। यानी खर्च की अधिकता ज़्यादा है वर्ष में इसलिए थोड़ी सी ऋण लेने से बचना चाहिए। जितने में काम चल जाए उसे काम करना चाहिए। आपको ऋण लेने से बचेंगे तो पूरा वर्ष अच्छे ढंग से बीत जाएगा। अब आपको बताते हैं शत्रु बाधा ऋण बाधा और विदेश का योग। शत्रु बाधा यानी शत्रु पर सफलता मिलेगी। शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते इसलिए शत्रु से सावधान रहिए थोड़ा सा फिर भी अच्छा रहेगा। ऋण बाधा से ऋण से बचना चाहिए। ऋण बढ़ सकता है आपको इसलिए ऋण से बचें। और विदेश का योग तो बना हुआ है। विदेश जाना चाहते हैं तो आपको लाभ होगा। हम आपको बताते हैं कि इसका क्या उपाय करें। अगर शनि की साढ़े साथी भी चल रही है और आपको कोई अगर बीच में दिक्कत आती है अर्थ से लेकर के या शरीर से लेकर के तो क्या उपाय करें। आप प्रतिदिन प्रत्यंगिरा स्रोत का पाठ करें। प्रत्यंगिरा स्रोत पुस्तक बाजार में मिलती है उसको ले लीजिए। उसको प्रतिदिन एक पाठ करिए दीपक जला करके। तेल से तली हुई वस्तु का दान करिए गरीबों को। पीपल को दूध चढ़ाएं और दीपक जलाएं। दूध में काला तेल जल और थोड़ा सा शक्कर डालकर चढ़ाएं। दीपक चतुर्मुखी या एक ही मुखी सरसों के तेल का चढ़ाएं तो उससे भी आपको शनि शांत होंगे और सफलता मिलेगा। गरीबों को ज़्यादा से ज़्यादा आप दान करें और कुत्ते को रोटी और दूध खिलाएं और कौवे को भी रोटी खिलाएं तो शनि का और राहु केतु का प्रभाव ज़्यादा खराब नहीं पड़ेगा आपके ऊपर। हर प्रकार से सफलता मिलेगी। और बहुत कुछ जानने के लिए हमारे चैनल पर बहुत सारी वीडियो डाली हुई है। बिजनेस से लेकर के हर प्रकार की बाधाओं के उपाय लक्ष्मी प्राप्ति के उपाय सब वीडियो डाली हुई हैं। सारी वीडियो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे नीचे दिए हुए नंबरों से भी संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। श्रीमन्नारायण। भूमि भवन वाहन धन संपत्ति शादी व्यापार एवं संतान आदि से संबंधित समस्याओं से है परेशान और चाहते हैं उनका संपूर्ण निदान तो आचार्य पंडित अवधेश द्विवेदी से तुरंत संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 8510997810। हमारा ईमेल आईडी है shrimannarayanjyotishsansthan@gmail.com। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ कर्मकांड यज्ञ अनुष्ठान विवाह गृह प्रवेश काल सर्प दोष व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के यंत्र राशि रत्न कवच जन्मपत्री एवं रुद्राक्ष सिद्ध किए जाते हैं। व्यापार में रुकावट गृह क्लेश आर्थिक समस्या इत्यादि का समाधान किया जाता है।